खबर लैने मोगा तो जिथे मुख्यमंत्री पंजाब वालों निहाल सिंह वाला दे पिंड खाई विखे पहुंच के लिया गया बेमौसमी मीह दा नुकसानियां फसलों दा जायजा। मुख्यमंत्री वालों साबका मुख्यमंत्रियों ते भी तंज कसिया ते कहा कि पहलां दे मुख्यमंत्री हैलीकाप्टरां विच बैठ के जायजा लैंदी सी। उन्हां इह भी कहा कि एक हफ्ते दे विच विच गिरदावरियां करन दे हुकम 10 दिनां दे विच सरकार मुआवजे दी राशि किसानां दे खातें विच पा देवेगी ते मुख्यमंत्री वालों 33% to 75% तक नुकसानिया फसलों का 6,750 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, 75% to 100% तक नुकसानिया फसलों का 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान करती है। गरीब लोगों को भी मुआवजा जिन्हों के घर या डंगर के वाड़े तूफान कारण नुकसाने गए ने। उधर दूसरे पासे हलका मोगा की विधायिका डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा हलका निहाल सिंह वाला दे वख-वख पिंडां विच आ के किसानां दीआं मुश्किलां सुनियां, खेतां विच बारिश कारण होए नुकसान दा जायजा लैण ते धन्नवाद कीता। कहा कि जल्द गिरदावरियां करके काश्तकार किसानां दे खातें विच पाए जाणगे पैसे। इस मौके होर उन्हां ने की कहा, आओ सुणदे आं पूरी खबर। देखो जी, परसों बेमौसमी बरसात हुई, गड़े पे, बहुत जोर दी नेरी चली और बाव रोले जिहड़े आम तौर पर देखे नहीं जाते, टर्नेडो कह दें जिन्हों, वो भी आए। बागां दे विच बूटियां दे बूटे जिहड़े ने खराब हो गए, लोगों के घर दी छत्तां भी फाजिलका वल, अबोर वल, मलोट वल, घर छत्तां उड्डण की भी खबर है, नाल कणक दे नुकसान की बहुत वड्डी खबर है। खास तौर पर मलोट एरिया, बठिंडा एरिया, तलवंडी साबो, खाई, पत्तो, हीरा सिंह, ये जिहड़ा मोगे का इलाका है, निहाल सिंह वाले का इलाका है, आप देख ही रहे, तुसीं अपने कैमरे राही दिखाई सकते कि पानी हजे भी खड़ा है, फसल पक्की पई है। हुण कोई चांस नहीं कि ये फसल जिहड़ी है इहनूं आपां खड़ी करके कणक की फसल में आप कोई कुछ कढ लाँगे, क्योंकि ऑलरेडी दाने जिहड़े ने गड़िया नाल जिहड़े भुर गए ने ते निकल चुके ने। सो पंजाब सरकार वालों साडा फर्ज बनता है कि असी किसान दे नाल खड़ीए, क्योंकि ना तो वह कसूर है, ये तो कुदरती मार है। तो असी पंजाब सरकार वालों डी साहब नूं कहता, पंजाब के सारे DC डिप्टी कमिश्नर नूं कहता कि एक हफ्ते दे विच सानू स्पैशल गिरदौरियां करके दिओ। स्पैशल गिरदौरी का मतलब होंदा कल्ली फसल नहीं होंदी, उस कोई किसी का डंगरां वाला बाड़ा ढह गया, किसी का पशु डंगर का नुकसान हो गया, किसी की छत ढह गई, वह भी उहदे विच आ जांदी है नुकसान दे विच। बहुत सारे गरीबां दे कच्चे घर ने ढह गए होणगे, तो असी स्पैशल गिरदौरी उहदे विच भी असी मानदे हां। सो पंजाब सरकार वल्लों असी फौरी तौर पर जिहड़ा जिवें 33% to 75% का जो नुकसान है, जन कि तीजा हिस्सा तो लैके दो तिहाई तक, 33% to 75% तक का जो नुकसान है, तो 75% to 100% तक का जो नुकसान है, वह असी वेरवा मंगा रहे हैं। तो असी 15,000 रुपये एक किले का जोड़ा वो जोड़े नुकसाने गए फसलों उन्होंने देवे, जो 75% to 100% तक नुकसाने गए, 15,000 रुपये एक एकड़ का असी किसानों के खात्या पावे। पिछली बार नालों असी 25% वधाया, पहला वो 11-12 हज़ार अनाउंस ही करते सीगे, मिलता तो कई बार मजाक ही हो जाते सीगे, जख्मां ते लमक वाली गल कि 55 रुपये का चैक भी आ जाता सी, 62 रुपये का चैक भी आ जाता सी, मुआवजे के नाम पर मजाक होंदे सी। सो असी जिहड़े हुण इस बार असी 15,000 रुपया जिन्हां दी 75% to 100% तक कणक का नुकसान होया, चारे का नुकसान होया, जां फसल का नुकसान होया, वो देवांगे। 33 to 75 तक पहला 5400 कहिंदे सी, असी 6750 रुपये, 25% उस भी वाधा करता, जाने कि चौथा हिस्सा असी रकम वधाती। तो सब तो जिहड़ी इहदे विच राहत वाली गल इह है कि ये पैसे मिलणगे, और मिलणगे भी असली जिहड़े जिथे नुकसान होया, नहीं तो की हुंदा साडे कोल पहला रिपोर्टां आउंदियां सी कि जिहड़े रसूखदार बंदे ने जिन्हां दी चलदी है कि तिद्दर सरकारे द्वारे, वह आपदियां जमीनां लिखा जांदे सीगे कि बाद च लिख दो, बाद हिसाब किताब कर लाँगे, वह काम नहीं असी होण देना। इहदे विच इह है कुदरती मार है, चलो कोई नहीं, कुदरत अगे किसे दा जोर नहीं चलता, पर एक भी पैसा असी जिहड़ा किसे गरीब का किसी होर नूं दे दईए तां इह मेरे ख्याल 'च
गलत होगा। तो इस करके असी MLA साहबान भी, मेरे जिन्हें भी MLA साहब, MLA नियाल सिंह वाला, MLA धर्मकोट, MLA मोगा तो आए हैं, जिन्हें भी साढ़े MLA साहबान ने या प्रशासन है, उन्होंने मैं सख्त हदायत दित्तियां ने कि पैसे उसे नूं मिलन जिन्हों का नुकसान होया। आम तौर पर बहुत सारे पिंड रौला पै जाता कि ठेके से दी हुई जमीन सी, सरकार ने जिहड़ा वो रजिस्ट्रियां देख के मुआवजा देता, पर उन्हें ठेके दी हुई जमीन सी, उन्हें ठेके दे भी पैसे ले ले। सारे नहीं है, मैं पंजे उंगलां इक्को सार नहीं कहिंदा, बहुत सारे चंगे भी ने जिहड़े दे दिंदे उन्हूं कि यार तेरा नुकसान हो गया, तू सरकार वाले पैसे जिहड़े ने वो मेरे ले ला। सो ये भी मेक श्योर करांगे असीं कि काश्तकार नूं ही पैसे मिलन। तो 15,000 रुपया पर एकड़ का असी अज अनाउंस करके जाने, हफ्ते के विच विच ये सारी रिपोर्ट जी साढ़े को आ जाऊगी, तो इन्हों के किसानों के खातों के 73% तो 100% 33 तो 75% तक का 6,750 रुपये 25% वो देखो जे घर किसी का ढह गया तो 95,000 तो उपर पैसा जोड़ा वो घर पाने तक, जे किसी का घर ढह गया, गरीब का कच्चा कोठा ढह गया, तो वो भी असी उन्हों का जोड़ा मुड़ बसेबा करा, तो उदू पेल जिन्हें चिर घर नहीं पैंता उन्होंने कोई ना कोई अल्टरनेटिव उन्होंने पहली बार वेख्या कि मुख्यमंत्री खुद आके जो फील्ड बैठे पहला हैलीकॉप्टर तो जोड़े जायजा लैके चले जाते ताइयों फिर पहला वाले ने कह सकते हैं कि वो नहीं आते थे, उन्होंने पता ही नहीं खेतों का, उन्होंने कदे इधर आए नहीं है, वो तो बस उपरों जोड़ा हाए बाए कह के लंघ जाते। असी खेतों के पुत जी, अभी खेतों चो निकले हुए हैं, सानू इस गल का पता है कि इस किसान का की हाल होगा, घरें रोटी नहीं पकती जी, जिद्दें बेमौसमी बरसात हो जाए, साड़ी अपना झोना, साड़ी अपनी कणक मरती रही है, ढाबा चीगी, ढाबा का मतलब हो गया जिते पानी खड़ता हो नीवा सी, सो जो बेमौसमी बरसात हो जाती सी तां साडे घर भी रोटी नहीं पकती होंदी सी, सो दर्द जिहड़ा उही जान सकदा जी पिंडे ते जिन्हें हंडाई होवे। सो असी मैं हाँ हौसला भी दिना, कुदरती मार है कोई गल नहीं, पर सरकारां दा फर्ज बनता कि नाल खड़न, बहुत सारा कुदरती आफतों का फंड हुंदा जी सरकारां कोले, कोई पैसे की घाट नहीं हैगी। सो असी किसान नूं ते मजदूर नूं, देखो मजदूर भी जिहड़े ने उह इहदे च नुकसान नहीं गए ना, जे उन्हां दी कणक नहीं मरी, पर इस कणक नूं वढ़न वेले, इस कणक नूं जदों इत्थे कंबाइन चलनी सी, इत्थे रीपर चलने सी, जां इत्थे तूड़ी बनाउण वाली मशीन चलनी सी, उदों जिहड़े मजदूरां ने आपदी मजदूरी करके आपदी कबीलदारी चलाउणी सी, उह वी तां मारी गई ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ 10% ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 10% ਸਰ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇੰਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ 20% ਨੂੰ ਵੀ 100 ਲਿਖ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਿ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ। ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਿਪ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬਸ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ
खेती तो अलावा कोई महीना वाइज जां कोई पर डे वाली इनकम हो जाए ना तो फिर ये कल खेती पर डिपेंडेंट ना रहे। अद्धे घंटे के बेमौसमी गड़े सारी कबीलदारी लीह चो ला के धर देंगे जी। हुण कि किसी ने कुड़ी का विआह बारे सोचा होना, किसी ने होर पढ़ाई बारे बच्चों की फीसा बारे सोचा होना, आ सोचा फिर हुण वो इत्थों की होगा, वो डिप्रैशन च होगा, डिप्रैशन च होगा वो चकूगा रस्सा चकूगा तो फाहा लूगा जां स्प्रे पीऊगा। मैं ये भी बेनती करनी चाहुंदा तुहाडे जरिए कि हल नहीं है खुदकुशी कोई, असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। तुसीं सानू जिन्ना सानू वधाउणा भी पिया कि कबीलदारी इहदे नाल नहीं चलदी जां इन्ना ज़्यादा नुकसान हो गया असीं वधा लाँगे, पर असीं खेती नूं लाहेवंद धंधा बनाउणा है, असीं मजदूर नूं भी उहदा चुल्हा भी जिहड़ा ठंडा नहीं होण देना, असीं दुकानदार दी दुकानदारी क्यों मरन नहीं देनी क्योंकि देखो ये सारिया चीज़ां जुड़ियां होईयां ने। जे आ फसल मर गई लोगों की जेब च पैसा नहीं आया तो जिहड़े आले दुआले वाले बाजार ने वह भी मर जाएंगे जी, क्योंकि जो पैसे ही नहीं गए बाजार की करने जाऊगा अगला। सो ये सारा कुछ जुड़िया हुआ साढ़े नाल। सो इस करके मैं कहना कि असी पंजाब सरकार वालों जिन्ना हो सकता असी उन्हें हैल्प करांगे ते नाल दी नाल स्कूलों राही इन्हां बच्चे पढ़ावांगे और आने वाले दिनों खेती के बारे असी फसलों का जिहड़ा झोने का बदलाव कोई वह भी असी देख रहे हैं और जिहड़े चार पांच होर फसलां जिहड़ियां ने उन्हां ते MSP ते असी जिहड़ा वो जिहड़ा लिखत पढ़त कर रहे हैं। झोना घट तो घट होवे, झोना रकबे च घट तो घट होवे तां पानी भी बचूगा बिजली बचूगी। झोने थां ते कोई इहो जी फसल आईए जिहड़ी उहनूं झोने जिन्ना ही फायदा दिंदी होवे, ये शर्त है सर। जिन्ने भी नुकसान हुआ सारा असी कोई ये नहीं देखना कि आ फलानी दी सी आ फलानी दी सी, जिहदा नुकसान हुआ वो मिलूगा जी, असी कोई वो नहीं करते पक्षपात। ठीक है, फसली फसल दे जिहड़ा बीमा हुंदा सर उहदे बारे कोई सरकार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस बार असी जिहड़ा क्रॉप इंश्योरेंस लैके आ रहे हैं ताकि उन्हूं भी थोड़ा जिहा श्योरिटी रहे कि जे फसल नुकसान नहीं जाती है तो मैंने बीमा मिले। इदू पहला बीमा की कोशिश की गई देश लैवल से पर वो कामयाब नहीं होया, सिर्फ पैसे ले गए बैंकों चो कट ले गए बिना पूछे किसानों उन्होंने खात्या चो, पर बीमा मिलने वेले लैन वेले कोई नहीं इतने सामने। लास्ट क्वेश्चन जी, जिवें ग्राउंड जीरो से आके तुसीं किसानां नाल गलबात कर रहे हो, लगता है कि जिहड़ियां खुदकुशियां किसानां कर रहे ने जदों बेमौसमी मीह पैंदा है ये चीज़ां रुकणगियां, जिवें मुआवजे च भी 25% वाधा किया सर, 15,000 रुपया पर किले देण दी गल कीती है, लगता है कि खुदकुशियां रुकणगियां पंजाब? देखो खुदकुशी नाल कोई हल नहीं हुंदा, ना तां कोई करजा लैंदा है ना ही कोई ये फसल दोबारा ठीक हो जाऊगी। मैं कहना पंजाब दा किसान मेहनती किसान है, वो मिट्टी दे विचों सोना गा लैंदा है। सो इस तरह दिल छोटा ना करे, असी सरकार जी खड़ूगी कला एक कला मुआवजा नहीं, असी धियां पुत्तां नूं पढ़ा के नौकरियां ते लाउणा चाहुंदे आ, जे नौकरियां ते लग गए उच्च पदरियां ते तां उह कल्लियां फसलां ते डिपेंडेंट नहीं रहणगे, जिहड़ा लाहेवंद धंधा खेती बन जाए ते नाल नाल जवाकां नूं उहनां दे नौकरी मिल जाए, फिर जे कोई बेमौसमी बरसात भी हुंदी है तां किसे होर पासे इनकम आउंदी है तां किसान जिहड़ा उह कदे सोचूगा नहीं, उह भी दमामे मारदा मेले जाऊगा। सो मैं तां इही कहना कि जिहड़ा साडा किसान है अन्नदाता जिहड़ा अन्नदाता ही जे भुखा मारता तां फिर साडे सरकारां जिहड़ियां ने ओह उहनां दी किते ना किते कमी है इहदा मतलब फिर। सो असीं अन्नदाते नूं कदे वी भुखा नहीं सौण देवांगे ते सारे मुल्क नूं ढिड भरन वाला सारे मुल्क नूं रोटी खवाउण वाला जिहड़ा ओह आप खुशहाल रहना चाहिए। मैं साडे बहुत ही मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद करती हाँ कि पहली बार होया कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ग्राउंड ते आके जिहड़े किसानां दीआं फसलां जिहड़ियां खराब होईआं कुदरती जिहड़ी बरस आफत आई है उस दे कारण। सो नहीं तां असीं देखदे हुंदे सीगे TV दे विच कि हैलीकॉप्टर्स दे उपर उही जिहड़ा हैगा जायजा लै के मुख्यमंत्री चले जांदे हुंदे सी। पहली बार होया पंजाब दे विच कि मुख्यमंत्री किसानां दा दर्द समझदे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस उम्मीदों लोगों ने बनाई है वो ते पूरी खरी उतरी है। मुख्यमंत्री साहब वालों आश्वासन दिलवाया गया कि एक हफ्ते विच जिहड़ी हैगी है गिरदावरी करवा के किसानां दीआं फसलां दा जिन्ना भी नुकसान होया, चाहे किसी ने ठेके ते लत्ती हुई सीगी, चाहे किसी की अपनी फसल सीगी, चाहे उत्थे कोई लेबर करदा सी, सब दी जिहड़ी हैगी है भरपाई की जाऊगी।
एक हफ्ते दे विच जिहड़ा हैगा डीसी साहिबानां नूं जिहड़ियां हिदायतां दित्तियां गईआं ते 10 दिनां दे विच विच जिहड़े हैगे आ सरकार फंड रिलीज़ करके किसानां तक पहुँचा देवेगी। मैम जिद्दां मजदूरां दी गल आ रही सी कि जिस तरीके नाल जिहड़े मजदूर कटाई करदे सी जां हुण फसलां नूं कटणगे उहनां बारे कुछ कीता? हाँ जी बिल्कुल, जिहड़ी मजदूरां दीआं जिहड़ी हैगीआं उहनां दी भी हैल्प की जाएगी। ईवन जिन्हां दे भारी बरसात होण दे करके गड़े पैण करके कच्चे घर ढह गए आ उहनां नूं भी मुख्यमंत्री साहब अनाउंस करके गए कि 95,000 दी जिहड़ी हैगी आ राशि उहनां नूं भी दित्ती जाएगी ते जदों तक उहनां दे घर नहीं बणगे उहनां दा भी जिहड़ा हैगा इक उहनां दे लई अरेंजमेंट्स कीते जाणगे उहनां दे रुकण दे लई रहण दे लई। और 25% जिहड़ा हैगा वाधा कीता गया, पहला 12,000 रुपया जिहड़ा दिता जांदा सी हुण मुख्यमंत्री साहब वल्लों 15,000 रुपये की राशि जिहड़ी हैगी आ 75% तों 100% जिन्हां की फसल खराब हुई है उन्हां नूं 15,000 रुपया ते जिन्हां की 35 तों 75% हुई है उन्हां नूं 6,750 रुपये जिहड़े हैगे आ मुआवजे के तौर पर पर एकड़ दिते जाणगे। मोगा तों सर्वजीत रौली की रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री लीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री लीफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।